आइए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आज दिन भर के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुख्यमंत्री योगी बोले, दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रही डबल इंजन की सरकार। जी हाँ, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पंडित उपाध्याय के आदर्शों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का कल्याण व विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की डबल इंजन सरकार पंडित उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही है। क्या दोस्तों आप भी योगी आदित्यनाथ की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में मुख्तार के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के साथ 3 से 4 घंटे जेल में रोज समय बिताती थी पत्नी निकहत, हुई अरेस्ट, जेलर समेत 7 पर मुकदमा दर्ज। जी हां, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला कारागार रगौली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी को चोरी छिपे पति से मुलाकात करने में पुलिस ने जेल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि निकहत की डिप्टी जेलर के कमरे में विधायक से मुलाकात कराई जा रही थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान मोबाइल समेत अन्य प्रतिबंध सामान बरामद किया है। वही चौकी प्रभारी श्यामदेव सिंह ने जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब उत्तर प्रदेश वालों को होली पर नहीं होगी परेशानी। प्रयागराज, आगरा और अलीगढ़ से बढ़ाई गई ट्रेन। जी हां, आपको बता दें कि ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरों के संचालन का फैसला किया है। बता दें कि ट्रेन कानपुर सेंटर, लोकमान्य तिलक, साप्ताहिक, सुपरफास्ट, विशेष गाड़ी अब अतिरिक्त फेरे लगाएगी। उत्तर प्रदेश में निवेश की बिसात पर यूपी ने सबको दिखाया अपना सामर्थ्य, 3 गुना बढ़त। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आज यूपी ने अपना सामर्थ्य दिखा दिया है। जिस भरोसे निवेशकों ने 32 लाख करोड़ निवेश की हामी भरी, उसी भरोसे अब यूपी में एक विकसित राज्य बनने की दिशा में छलांग लगाने को तैयार दिख रहा है। इतना भारी भरकम निवेश प्रस्ताव और दिग्गज उद्योगपतियों की कई बातों से अब साफ है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह देश का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू, 10 मार्च तक इन पर रहेगा बैन। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों, राष्ट्रीय आयोजनों और प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बुधवार से लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। अपने ताजा आदेश में कहा है कि लखनऊ में धारा 144 10 मार्च तक लागू रहेगी। वहीं महाशिवरात्रि, होलिका दहन, शबे बारात के साथ कई प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताने की आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोरदिया ने जारी किया है। वैलेंटाइन वीक में आज से 3 दिन नहीं कर पाएंगे ताजमहल का दीदार, इन लोगों को ही मिलेगी एंट्री, जानिए वजह। जी हां, उत्तर प्रदेश में वैलेंटाइन वीक में ताजमहल का दीदार नहीं कर पाएंगे। G20 देशों से आ रहे मेहमानों के भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए ताजमहल 3 दिन और आगरा किला 2 दिन आम सैलानियों के लिए बंद रखने की अधिसूचना जारी हुई है। बता दें कि ताजमहल की साप्ताहिक बंदी तो शुक्रवार को होती है, इस कारण ताजमहल 3 दिन के लिए बंद रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में बनेगा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन, 330 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। जी हां, उत्तर प्रदेश में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, यह सप्लाई चेन विकसित होगा, तमाम पार्ट यहां बनेंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कई कंपनियां यहां आ चुकी हैं, बाकी कंपनियों को भी यूपी लाने की मुहिम चलेगी। बता दें कि इस मोर्चे को इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन संभालेगा। उत्तर प्रदेश बीएड सहित देश भर में 100 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करने वाला गैंग गिरफ्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश बीएड सहित देश भर में 100 से अधिक ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करने वाला एक बहुत ही बड़ा गैंग अलीगढ़ की इगलास थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। गैंग का सरगना अभी फरार है। एसपी देहात पलाश बंसल ने यह जानकारी दी है कि इगलास पुलिस टीम ने पेपर सॉल्व गैंग के अंतिम शर्मा उर्फ योगेश शर्मा निवासी नगला खेमा कुडवारा माट मथुरा जैसे अनेक लोगों को पकड़ा है। बताने की इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीआर में 2025 तक चलेगी पहली रीजनल रेल, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। जी हां, भारत की पहली रीजनल ट्रेन वर्ष 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। यह ट्रेन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की इस रीजनल ट्रेन के बारे में समिट के यमुना हैंगर में लगे स्टॉल में जानकारी दी जा रही है। कॉरपोरेशन के PRO पुनीत वत्स ने यह जानकारी दी है कि यह ट्रेन पश्चिमी यूपी की विकास यात्रा की सशक्त माध्यम होगी।
यूपी बोर्ड के प्रवेश पत्र जारी, सत्यापन के बिना नहीं मिलेगी परीक्षा में एंट्री। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं वार्षिक परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थी अपने संबंधित स्कूल से UPMSP बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन स्कूल प्रभारियों ने अपने स्कूल के छात्रों के प्रवेश पत्र 2023 डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट यानी upmsp.edu.in पर अपने स्कूल के लॉग इन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं नियमित छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि उनके पास ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा नहीं है। यूपी बोर्ड एग्जाम हॉल टिकट लेने के लिए परीक्षार्थियों को अपने संबंधित स्कूल जाना होगा। विद्यार्थी प्रवेश पत्र लेने के साथ ही इन्हें अपने स्कूल प्रिंसिपल के हस्ताक्षर में मुहर लगवा कर सत्यापित जरूर करवा लें। खुलासा, पहले अवैध बिजली कनेक्शन, अब मथुरा में ईदगाह के नाम पर कोई संपत्ति दर्ज नहीं। जी हां, ईदगाह नामक ढांचे के नाम से नगर निगम मथुरा वृंदावन में कोई भी संपत्ति दर्ज नहीं है और न ही कोई जल संयोजक है। यह आख्या नगर निगम मथुरा वृंदावन की है, जो वादी पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह पीठाधीश्वर सिद्धपीठ माता शाकुम्भरी और केंद्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट भृगुवंशी आशुतोष पांडे की पत्र के जवाब में भेजी गई है। अब उत्तर प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए SER भी चलाएगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, दिल्ली से PDDU नगर आना होगा आसान। जी हां, रंगों के त्योहार होली पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किल नहीं होगी। होली पर होने वाली भीड़ को देखते हुए PDDU जंक्शन होते हुए आनंद विहार से राजगीर के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। वहीं पूर्व मध्य रेलवे सहरसा व अम्बाला तथा मुजफ्फरपुर और वलसाड के बीच भी 2 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाएगी, इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। अंबेडकर जिंदा होते तो बन जाता गोडसे, गांधी की तरह मार देते गोली, दलित नेता के बिगड़े बोल। जी हां, तेलंगाना में एक दलित नेता ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। राष्ट्रीय दलित सेना के संस्थापक कहे जाने वाले दलित नेता हमारा प्रसाद ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर आज जिंदा होते तो वह उन्हें ठीक उसी तरह गोली मार देते जैसे गोडसे ने गांधी जी को मारा था। अम्बेडकर नगर में 24 दिन की जनसंपर्क यात्रा शुरू, सांसद रितेश पांडे पैदल करेंगे यात्रा, 2024 के चुनाव की हो रही है तैयारी। जहां उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सांसद रितेश पांडे आज यानी 11 फरवरी से पूरे लोकसभा क्षेत्र में पैदल जनसंपर्क पर अभियान पर निकले हैं। वही 24 दिन तक चलने वाले इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत वह जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के खुजूरी बाजार से कर रहे हैं। जाति पर RSS प्रमुख मोहन भागवत से भिड़े ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, पूछा अपार ज्ञान कहाँ पाया। जी हाँ, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अयमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का माखौल उड़ाया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। सरस्वती ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि RSS प्रमुख के बयान से उनकी छवि ठीक होने से परे खराब हुई है और यहां तक माफी भी बेकार होगी। बाबा रामदेव की कंपनी की बड़ी तैयारी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाएगी पतंजलि फूड्स। जी हां, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स, पहले का नाम रुचि सोया इंडस्ट्रीज, अभी बिस्किट्स, एडिबल ऑयल, खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल, सोया चंक और शहद बेचती है। कंपनी जल्द ही और ऊंचे मार्जिन वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। बताने की यह बात पतंजलि फूड्स के चीफ संजीव अस्थाना ने एक इंटरव्यू में कही है। पतंजलि फूड्स अगली 2 तिमाही में कुकीज, विटामिन और मिलेट बेस्ड फूड जैसे हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स बाजार में उतारेगी। लड़कियों लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने जमा कराई उत्तर प्रदेश के महिला ऑटो चालक की बेटी की फीस, पढ़ाई की ली थी जिम्मेदारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज गोरखपुर की महिला ऑटो चालक कुंती देवी की बेटी मोनी पटेल के स्कूल की फीस जमा करवाई। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के दौरान गोरखपुर में कुंती देवी ने प्रियंका गांधी को गरीबी की वजह से बेटी की पढ़ाई छूटने के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने उसकी बेटी की पढ़ाई का जिम्मेदारी ले ली। रामचरितमानस पर टिप्पणी ठीक नहीं, मनोज मुंतशिर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य की मार्कशीट चेक होनी चाहिए। जी हां, वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित काशी शब्दोत्सव में हिस्सा लेने आए गीतकार मनोज मुंतशिर ने पत्रकारों से बात की और कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की मार्कशीट चेक होनी चाहिए, देखना चाहिए कि वह कितना पढ़े लिखे हैं। कहा कि भगवान राम और गोस्वामी तुलसीदास कभी अनुसूचित जाति, वंचित और स्त्री विरोधी नहीं
नहीं रहे। मनोज मुंतशिर ने कहा कि हिंदू व सनातन धर्म को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन बंटना नहीं है, यही भारतीय और सनातन परंपरा की परीक्षा है। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर